Good morning, third standard students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. है ना? और कल तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया होगा आप सब ने. आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा, है ना बच्चों? नाउ बैक टू आवर स्टडीज. ओके, हमारी थर्ड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है द एनॉर्मस टर्निप. देखो पेज नंबर 26 में दिया हुआ है द एनॉर्मस टर्निप. इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ा, ह्यूज. और टर्निप क्या मतलब है? शलजम. ये एक सब्जी होती है, उसको बोलते हैं शलजम, टर्निप. ओके, नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर. वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड. एक बार की बात है कि एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप सीड जो थे वो जमीन में बोए. ठीक है, द टर्निप सीड्स ग्रो, द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. और धीरे धीरे वो टर्निप जो सीड्स थे वो बड़े होते चले गए और वो बहुत बड़ा एक, देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे बड़ा सा टर्निप कन्वर्ट हो गया उसमें वो. आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन जो थे उन्होंने कहा कि मुझे ये जो एनॉर्मस टर्निप है इसको बाहर निकालना है. द ओल्ड मैन pulled and pulled but he could not pull up the enormous turnip. और जो ओल्ड मैन थे उन्होंने खींचा बहुत ज़ोर से, उसको जोर लगाया खींचने की, बहुत कोशिश की पर वो उनसे नहीं निकला. An old woman came. तभी क्या हुआ, एक ओल्ड वुमेन आई. I want to pull up that enormous turnip said the old man. ओल्ड मैन ने कहा, उनसे कहा, ओल्ड वुमेन से, कि मैं इसको ना बाहर निकालना चाहता हूँ enormous turnip को, big turnip को. तो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. तो ओल्ड वुमेन सेज यस आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. और उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके, ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन ने मिलके उसको खींचा. पुल्ड का मतलब होता है खींचना, बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचा, बहुत ट्राई किया बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. बट वो नहीं निकाल पाए उसको बाहर. अ बॉय केम. तभी क्या हुआ कि एक बॉय आया. देखो पिक्चर में दिख रहा है ना आपको. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सैड द ओल्ड मैन, सॉरी ओल्ड वुमेन. आई विल हेल्प यू सैड द बॉय. तो जो ओल्ड वुमन थी उन्होंने उसको बोला कि हम ये इसको बाहर निकालना चाहते हैं टर्निप को, पर ये हमसे नहीं निकल रहा है. तो बॉय ने कहा ओके आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ. द ओल्ड वुमन, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. तभी देखो अब तीन जने हो गए, है ना, तीन ने मिलके, तीन लोगों ने उसको मिलके खींचना शुरू किया. पहला ओल्ड मैन, सेकेंड ओल्ड वुमन एंड द बॉय. उन्होंने जोर से खींचा, ट्राई किया बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. पर क्या हुआ कि वो जो बिग एनॉर्मस टर्निप था वो नहीं निकला. अ गर्ल केम. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय. आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल. तभी क्या हुआ कि एक लड़की आई वहाँ पे. देखो लड़की दिख रही है ना. वी वॉन्ट टू पुल अप. और बॉय ने कहा कि हम ना इसको निकालना चाहते हैं, बाहर खींचना चाहते हैं, पर हमसे ये नहीं निकल रहा है. तो गर्ल सेड आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल. गर्ल ने कहा कि ओके मैं आपकी हेल्प करूँगी इसको खींचने में. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड. अब कितने लोग हो गए? फोर लोग हो गए. पहले ओल्ड मैन, फिर ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल. उन चारों ने मिलके उसको बहुत खींचने की ट्राई की. अब केम द एनॉर्मस टर्निप. और तभी क्या हुआ कि वो उन्होंने चारों ने मिलके बहुत ज़ोर से खींचा तो वो जो टर्निप था वो निकल के बाहर आ गया. देखो दिख रहा है ना इसमें. वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सैड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल. और जो ओल्ड वुमेन थी, बॉय था एंड गर्ल थी, उन्होंने कहा कि हाँ अब ये टर्निप तो बहुत ह्यूज है, हम इसको खाने में भी आपकी मदद करेंगे. एंड दे डिड. और उन्होंने ऐसा ही किया, सबने मिलके उसको, शलजम को मिलके खा लिया. देखो शलजम कैसा होता है, पर्पल और वाइटिश क्रीमिश कलर का होता है और उसकी लीव्स कहती होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, है ना बच्चों? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कोई भी अगर काम हम सब साथ में मिलके करते हैं तो वो इजीली हो जाता है और एक दूसरे की हेल्प हमें हमेशा करनी चाहिए, है ना बच्चों? आई होप यू लाइक द स्टोरी. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.